फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे बहुत सारे यूट्यूबर ज्वाइन है, उन लोगों को लेकर आप सभी के मन में कुछ ना कुछ डाउट है, उन सारे डाउट क्लियर करूंगा। जैसे कि भाई जो लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे ज्वाइन है मेरा आईडी बैंड हो गया है, वो लोग मेरा आईडी को अनबैन करा सकता है। भाई पार्टनर प्रोग्राम पे ज्वाइन जो लोग है उन लोगों को कितना सैलरी मिलता है, और ऐसा कुछ जानकारी जो 100 में से 2% लोगों को पता है। और वी बैच को लेके भी बहुत सारा ऐसा गलत फैमिली यूट्यूब में अवेलेबल है, उन सारे गलत फैमिली को मैं सही करके बताऊंगा, सच बताऊंगा आप लोगों को वी बैच को लेके जो कुछ भी यार आप लोगों का मन में डाउट है सब बताऊंगा। ऐसा कुछ चीज ही बताऊंगा जो 100 में से 90% लोगों को पता है, या आप उन 90% लोगों के अंदर हो। जैसे कि फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे जो लोग हैं उन लोगों को क्या क्या चीज मिलता है, और ऐसे भी बहुत कुछ जो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई जब किसी का आईडी बैंड हो जाए तो वो लोग सोचते कि भाई जिन लोगों के पास वी बैच है, जो लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे सर ज्वाइन है, वो लोग उन लोगों का आईडी को अनबैन करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो आपको शायद पता है इन्फोबीटा के बारे में, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेवल का प्लेयर बन जाता अगर उसका आईडी बैंड नहीं होता तो। 97 लेवल पर उसका आईडी बैंड हुआ था। बाजिल का सबसे खतरनाक और फ्री फायर का सबसे बेस्ट यूट्यूबर कह सकते हो, जैसे हम लोगों का टोटल गेमिंग है ना, ऐसे ही नबरू और हम लोगों का टोटल गेमिंग तो यार फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे भी नहीं, और उधर का नबरू फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे भी है, तो वो भी अनबैन करा नहीं पाया क्योंकि इन्फोबीटा कोई भी हैक यूज़ नहीं किया, तो उसका आईडी क्यों बैंड है उसको खुद भी नहीं पता। और नबरू ने बस फ्री फायर का जो मॉडरेटर होते हैं उन लोगों को बस बताया था कि भाई इसका आईडी को जस्ट तुम लोग एक बार रिव्यू करो, अगर इंडस सर्वर या फिर किसी भी सर्वर में किसी का आईडी अगर बैंड हो गया तो वो अनबैन करा नहीं पाएगा। वो सबसे पहले फ्री फायर का जो मॉडरेटर होते हैं उन लोगों के पास जाके बोलेगा कि बस इस आईडी को आप एक बार रिव्यू करो, शायद कुछ गलती की वजह से इस आईडी बैंड हो गया। और मॉडरेटर ने अगर समझा कि नहीं इसको अनबैन कराना ज़रूरी है तो अनबैन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, जो लोग फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम पे वो लोग बस आपका आईडी फ्री फायर का मॉडरेटर के सामने ले जा सकते हैं, बाकी मॉडरेटर का मर्जी आपका आईडी अनबैन होगा या फिर नहीं। जो लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे उन लोगों को कितना सैलरी मिलता है बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और आपका चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए। 1 लाख सब्सक्राइबर भी है और फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के लिए आप बिल्कुल काबिल हो, लेकिन अगर आप फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करोगे तो 100 में से 1 लोग बस सिलेक्ट होगा। और जो लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पर जो 99 लोग आते हैं ना, जैसे कि मान लो मैं फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे हूँ और आपका भी चैनल है, आप भी फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे आना चाहते हो, तो आप मुझे बोले कि भाई मुझे फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे जाना है, मैं मॉडरेटर के साथ बात किया आप, और मॉडरेटर को मैं जैसे तैसे करके राजी कर लिया, आपको फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे ले लेगा। तो ऐसे करके हुआ है फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे जितना सारे यूट्यूबर है 100 में से 90% लोग इस तरीके से ज्वाइन हुए। आप मेरा बात को यकीन नहीं करोगे लेकिन यही बात सच है। इस स्क्रीन शॉट को आप ज़रा ध्यान से देखिए, फ्री फायर में जो सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे कौन कैसा रैंक पे रहेगा, तो जिन लोगों का 100K सब्सक्राइबर उन लोगों को मंथली कोई सैलरी नहीं मिलता है, बस 15 कस्टम कार्ड मिलते हैं और 2500 डायमंड मिलता है। ठीक है, और जिन लोगों का 500 के आप देख सकते हो 20,000 सैलरी मिलता है, जो गोल्ड में होता है 1,35,000 सैलरी मिलता है, जो डायमंड में होता है 2,000,000 से ज़्यादा उन लोगों को 70,000 मिलता है, मान लो कि 2,000,000 से जो ऊपर है उन लोगों को उससे भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बाकी पूछ करके देख लो कि किसको कितना मिलता है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के साथ फ्री फायर में ज़्यादा कनेक्शन और जिन लोगों का ये जो यूट्यूबर मार्केट में जिन लोगों का सबसे ज़्यादा बात चलती है उन लोगों को इससे भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको डेमो के थ्रू कहना चाहूँगा, हम लोगों का जो यूट्यूबर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है अज्जू भाई और ज्ञान सुजन, तो उन दोनों फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे नहीं, आपको प्रूफ चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वी बैच को छोड़ के फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे जो सारे यूट्यूबर लोग रहे थे उन लोगों को जो सारा सर्विस मिलता है सब कुछ मिलता है, इन लोगों को डायमंड भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, फ्री फायर मॉडरेटर के साथ इन लोगों का अच्छा कनेक्शन भी है। ठीक है, लेकिन फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे नहीं, इसलिए इन लोगों के पास वी बैच नहीं है। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि वी बैच पार्टनर प्रोग्राम पे जो लोग रहते हैं उन लोगों के पास ही होता है। ठीक है, प्रूफ देख लो पहले। जो लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे अंदर रहते हैं उन लोगों के पास ही वी बैच रहता है, ऊपर की तरफ होता है, अबतर का चमकता रहता है। और ये जो वी बैच है मैं चाहकर भी इसको हटा नहीं पाऊंगा, और गेडिना का जो मॉडरेटर होते हैं वो लगा देते इसको, और तब तक रहता है जब तक मैं फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के अंदर रहूँ। मान लो कि मेरे को फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम से निकालना, मेरे पास तब तक भी वी बैच रहेगा, जब गेडिना का मॉडरेटर चाहेगा तो इसको हटा देगा। अगर मैं प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगा तो, और देख लो ज्ञान सुजन और अज्जू भाई दोनों में से किसी के पास वी बैच नहीं है, तो इन लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के अंदर नहीं है, प्रूफ आपको मिल गया। और एक गलत फहमी आप लोगों का मन में है, आप लोग सोचते हो कि जो लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे है अगर वो लोग गेडिना से मांग ले कि मुझे क्रिमिनल चाहिए, मुझे हिप हॉप चाहिए, तो गेडिना वाले दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक सर्वर में अलग अलग रूल रहता है, जैसे पाकिस्तान सर्वर में ये सब कुछ मिलता है, और फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम का ज्वाइन का जो रूल है पाकिस्तान में इससे भी कम सब्सक्राइबर मिल जाएगा, और बहुत सारा लोगों को देता है। ठीक है, उन लोगों का पाकिस्तान में यार पार्टनर प्रोग्राम पर ज्वाइन होना इंडिया से बहुत ही ईजी है,
इंडिया के अंदर आपको हिप हॉप फीमेल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ चीज़ है बंदूक है ड्रेस है जो गेम पे आने से पहले दे दिया जाता है, क्योंकि उन चीज़ों का प्रोमोशन हो पाए, लोग देख के उस चीज़ को खरीदे, इसलिए होता है भाई। और एक चीज़ ऐसा डायमंड भी दे दिया जाता है जैसे कि वो लोग स्पिन करे चीज़ को निकाले, ऐसा होता है, लेकिन हिप हॉप क्रिमिनल ऐसा कुछ भी इंडियन सर्वर पे नहीं दिया जाता है। जो लोग ना मेरा इस वीडियो को देख रहे हो, लोग सोच रहे हो कि भाई इस वाला हैक को मैंने कैसे किया, अगर आप भी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर का एक ऐप है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन भी मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। अभी मैं जो वीवैच का फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, इसको सुन के यार बहुत सारा लोग यानी 100 में से 99% लोग मेरा बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही बात सच है। वीवैच पहली बार फीफा पे आया था 2020 का दिसंबर का टाइम, और उस टाइम जो लोग टूर्नामेंट खेलते थे उन लोगों को वीवैच दिया जाता था। अभी मुझे पता कि 100 में से 99% लोग मेरा बात का यकीन नहीं करेगा, तो उस टाइम मेरा बड़ा आईडी मेरे पास था और मेरा तब लेवल चल रहा था 71 ऐसा कुछ। तो पहली बार मैं मेरा फ्रेंड का एक आईडी पे देखा कि वी बैच, उस टाइम मुझे वी बैच के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसने मुझे बोला कि भाई ऐसे टूर्नामेंट होता था, टूर्नामेंट जो जो लोग खेले थे उन सभी को मिला दे, और मुझे भी मिला है। उसने कहा कि हाँ भाई परमानेंट, लेकिन कुछ दिन बाद वी बैच का न्यूज़ इस तरह से वायरल हुआ, क्योंकि देखो जो लोग फीफा पार्टनर प्रोग्राम पे उन लोगों के पास वी बैच मिलने लगा था। और देखिए मेरे पास ऑडियंस, अगर मैं बताऊं कि मुझे वी बैच मिला फीफा का पार्टनर प्रोग्राम से, और भी एक यूट्यूबर कहने लगा और भी एक यूट्यूबर कहने लगा, तो उस सभी के बाद में इस बात एकदम पूरा क्या बताऊँ यार पूरा दब गया। ठीक है, अब कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होगा कि वी बैच जिन लोग फीफा पार्टनर प्रोग्राम पे होगा उन लोगों के पास ही रहेगा, और मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा उन दोस्त के पास अभी वी बैच है या फिर नहीं, क्योंकि मैं मेरा बड़ा आईडी भेज दिया और उसके साथ मेरा जो कॉन्टैक्ट अभी नहीं है। ठीक है गाइस, जो लोग फीफा पार्टनर प्रोग्राम पे उन लोगों को फीवर का मर्चेंडाइज ड्रेस वगैरह टी शर्ट ये सब कुछ तो भेजता है, जो नया नया इवेंट आते हैं उनमें से बहुत सारा गिफ्ट वगैरह भेजता है, और कुछ लोगों ने बताया कि उसको आईफोन मिला ये सब मिला, तो ऐसा सच नहीं है दोस्तों। ठीक है, फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोग का एक कोर्स होता है। ठीक है, उन कोर्स यानी जैसे कि सब्सक्राइबर परफॉर्मेंस इन सभी के अकॉर्डिंग एक रैंक होता है, और उन रैंक के अकॉर्डिंग उन लोग को टोकन मिलता है, और उसको एक्सचेंज करके उन लोग मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट खरीद सकता है, और आके बताते हैं कि भाई मुझे ओप्पो मिला है, मुझे वीवो मिला है, मुझे आईफोन मिला है, तो कुछ ऐसा फंडा है भाई। ठीक है, फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा यूट्यूबर लोग इसलिए ज्वाइन होना चाहते हैं क्योंकि उससे उन लोगों को इज्जत मिलता है, एक तो पैसा मिलता है सब्सक्राइबर के बेस से, और ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इज्जत। जैसे ही मेरा आईडी पे वी बैच आ जाएगा परमानेंटली, तो उसके बाद मैं जब भी गेम खेलूँगा तो लोग मेरा गेम प्ले देखेगा, गेम में भी लोग मुझे इज्जत देगा, मेरा सब फ्रेंड रिक्वेस्ट पकड़ेगा, तो इसलिए वी बैच एक मेन कारण है जिसके वजह से लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका कंटेंट होगा तो आपको वी बैच नहीं मिलेगा, जैसे कि आप मुझे पकड़ लो, मैं हैक फैक का वीडियो थोड़ा बहुत बनाता हूँ, तो मुझे फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम पे ज्वाइन नहीं करेगा। इंडिया बांग्लादेश मिला के 232 लोग फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम पे है जिन लोगों का आईडी पे वी बैच है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इसका और एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया तो।